देखो भाई, आज का जो क्लास है हमारा, रिवीजन इसकी है 3D की। वेक्टर भी रिवाइज करवा दो साथ साथ, ज्यादा ही हो जाएगा। एक कहोगे तो लिखवा देता हूँ। वेक्टर भी आता है वेक्टर सबको? आज के लिए बहुत नहीं, आज की क्लास चलेगी 11 बजे तक, और इमिजिएटली फिर उसके बाद देखना। देख, पढ़ाने के लिए बहुत है मेरे पास, अच्छी अच्छी चीजें आज सिखा देता हूँ। जो नहीं आया तो एटलीस्ट मंडी जाना है, चला जा। तो क्या कढ़ाई पे बैठना है? हाँ जी जुल्का, ये देखो जुल्का क्या लग रहा है, क्या सुनी हो? हाँ जी, रिवीजन ऑफ 3D डिराइव नहीं कराऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, फॉर्मूले क्या है। जब तुम कह दोगे तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है? इस आराम से नोट करना और तसल्ली से। मैं बता रहा हूँ, अब की बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चुप करके ठंड बर्दाश्त कर। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैंने पढ़ा था लाइन इन स्पेस, देखो यार इस लाइन में ना एक बात का ध्यान रखना है, यही बात मैंने बताई थी पहले भी कि जब भी लाइन को आप निकालेंगे तो लाइन को जानने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है। तो यहां पे दो कंडीशन दो तरीके से दी गई, एक तो आपको ऐसे कोई वेक्टर दे दिया गया बी, और ऐसे एक पॉइंट दे दिया गया ए, और कहा गया कि जो ये पॉइंट ए दे रखा है, इस पॉइंट ए से एक लाइन खींचिए जो कि वेक्टर बी की डायरेक्शन में हो। किसकी डायरेक्शन में हो? वेक्टर बी की। तो क्या एक यूनिक लाइन नहीं आएगी ऐसे ऐसे, इफ आई एक्सटेंड इट लाइक दिस? तो और ये ए बेसिकली अगर यहां पर मैं थ्री डायमेंशनल प्लेन में है तो ये मेरे एक्सिस बन गई, यहां पर एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये पोजीशन वेक्टर था, मैंने बताया था कि भाई इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन के लिए इस लाइन पे कोई भी एक आप मूविंग पॉइंट ले सकते हो जिसका पोजीशन वेक्टर ले लोगे आर, और मैंने कहा था इसको कनेक्ट कर दीजिए, अब इसको भी ओरिजिन से, ये ए हो गया। तो हमने कहा था ऐसी इक्वेशन की, जो ऐसी लाइन की इक्वेशन आती है आर वेक्टर, आप लिखोगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना, ये हमने जो इक्वेशन लिखी है, दिस इक्वेशन इज ए वेक्टर इक्वेशन। यहां पर जो पॉइंट ए है इसको हमने, हम कहेंगे पासिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसको हम? पासिंग पॉइंट। और पॉइंट बी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन वेक्टर। क्या कहेंगे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन में हमने लाइन को खींचा है, यू हैव ड्रॉन द लाइन इन दिस डायरेक्शन। कार्टेशियन के लिए किस बात का ध्यान रखना होता है? हमेशा ध्यान रखना आर वेक्टर थ्रू आउट द 3D यही रहेगा, एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। और ए वेक्टर को हमेशा आपको रखना है एक्स वन ऑफ आई कैप प्लस वाई वन ऑफ जे कैप प्लस जेड वन ऑफ के कैप। और बी वेक्टर आप ले लीजिएगा ऐसे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस केस में जो लाइन की इक्वेशन आती है वो इस टाइप से आती है, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी। इसको हम लैम्डा के बराबर ले लेते हैं ऐसे। अब यहां पर इस लाइन पर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी आते हैं। अगर आपको लाइन पर कोई भी कोऑर्डिनेट निकालो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यहीं से सीख लीजिएगा जो हम प्लेन में बार बार इस्तेमाल भी कर रहे थे, एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या आएंगे यहां पर? एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ए लैम्डा प्लस एक्स वन। वाई किसके बराबर आ जाएगा?
बी लेमडा प्लस वाई वन, और जेड किसके बराबर आ जाएगा, सी लेमडा प्लस जेड वन। ये एनी पॉइंट होते हैं लाइन पे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। ये नोट करना है जुलका, वो ये तो हैंग हो गया यार, किस्मत ही खराब है। ये ऐसे ठीक है, नजर आ रहा है देखिएगा ना, टाइम इज वेरी क्रूशियल ना, तो वो तो ऑब्वियसली टाइम इज वेरी क्रूशियल नहीं, वो इसके लिए 500 रुपए का टैक्स। अरे देख मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा था, ये ध्यान से नीचे देख के चलो। ओके, यहीं पर मैंने ये भी बताया था लाइन में कि टू पॉइंट फॉर्म क्या होती थी। देखो यार, ये टू पॉइंट फॉर्म को ना एक तो हमेशा ध्यान रखना, ये दूसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे है, मान लो ये कोई लाइन है ऐसे, ये पॉइंट है P, X1, Y1, Z1, और ये है X2, Y2, Z2। अच्छा एक और चीज मैं यहां बताना भूल गया, लाइन में ये जो डिनोमिनेटर्स होंगे, ये डिनोमिनेटर्स को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, क्या कहेंगे। यहां पे नोट करके आप अच्छे से लिख लीजिएगा, DR ऑफ लाइन आर क्या बनेंगे, ए बी एंड सी, ठीक है, क्लियर है जी ये वाली बात। ये पॉइंट ये आगे हमारे पास, अगर P और Q दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसको कनेक्ट करता हुआ वेक्टर निकालने का एक तरीका बताया था मैंने, तो वेक्टर PQ कैसे निकालते थे याद है किसी को, हाउ टू फाइंड वेक्टर PQ, ऐसे निकलता था X2 माइनस X1 ऑफ आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 ऑफ J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 ऑफ K कैप। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया इसके PQ के, आई जे के कोफिशियंट्स क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो। तो डी आर ऑफ पी क्यू बन जाते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये बन जाता है। ओके क्लियर है। नाउ नंबर थ्री, अगर आप लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, सपोज यू आर आस्क टू फाइंड, ऐसे आप थ्री डी में है, अगर लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास कर रही है ऐसे, सपोज दिस पॉइंट इज पी, उस कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन जेड वन, और दूसरा है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो देखो लाइन को जानने के लिए क्या करना, सबसे पहले कैन यू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, क्या बने डी आर बताओ जरा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन। तो एक बात बताओ, ऐसी लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन, या जेड माइनस जेड वन बाय जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा, और इवन इफ यू कैन राइट x माइनस एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड टू बाय जेड टू माइनस जेड वन, ये दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखे हैं, डायरेक्शन रेशियो, क्या लिखे हैं, डायरेक्शन रेशियो। फंडा क्लियर है, टेम्परेचर इसका एसी का 45 कर दूं, यार ये पॉसिबल नहीं, नहीं तो मैं कर देता हाँ? चल तो तेरी ये बात मान ली,
19 कर देता हूं, 24 इज ओके। गिरीश ठंड लग रही है, गिरीश बंदा ही बड़ा बढ़िया है। और तू लेट कैसे आया अभी? तो सीधे रात में कपड़े पहन के सोना था तेरे को, तो सीधा उठ के आ जाना था। गलत बात है यार, हम लोगों ने सबने नींद अपनी खराब करी, भगवान से पूछ। भगवान को तो उठना पड़ता है, लोग सुबह सुबह 5 बजे आरती करते हैं इसकी। ठीक, लेकिन कल रात में तो तेरा दिन ही था, लक्ष्मी पूजन थी, बेचारा कोने में बिठा रखा था। देखो अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट था एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता था? एंगल बिटवीन द लाइन इज द एंगल बिटवीन क्या? देखिए कुछ ऐसा था, मान लीजिए दो लाइन थी ऐसे, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वन वेक्टर, ये लाइन वन है, दूसरी थी लाइन टू, ए टू वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी टू वेक्टर। देखिए ये एक लाइन है डायरेक्शन b1, किसकी डायरेक्शन में है? वेक्टर b1, और दूसरी है b2। तो जब भी लाइन के बीच में एंगल निकालोगे तो वो वेक्टर b1 और b2 के बीच में होगा, और इसका फॉर्मूला आप सीधा लिखोगे cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब b1 डॉट b2 क्या आ जाएगा? 0। लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब b1 वेक्टर b2 के पैरेलल आ जाएगा, ये कंडीशन होगी, यानी मल्टीपल में आएगा। इन्हीं की कार्टेशियन कंडीशंस बन जाती हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। ये क्या है a1 a2 और b1 b2? ये सारे क्या? डायरेक्शन रेशियोज। और ये बन जाता है a1 by a2 is same as b1 by p2 is same as c1 by c2। ये डायरेक्शन रेशियो सारे क्या हो जाते हैं? प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां आप हमेशा ध्यान रखना कि b1 वेक्टर जब भी आप लोगे इसके डायरेक्शन रेशियो सीधा सीधा आप लोगे a1 b1 एंड c1, और b2 वेक्टर लोगे तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या लोगे? a2, b2 और c2। इसके क्या है? dr। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट फिर कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यू लाइंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कैसे निकालते थे? देखिए जिन्होंने मिस भी किया है अगर 3D, तो ये भी पूरा 3D ब्रश है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेसिकली मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा म्यू के बराबर भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। देखिएगा नेक्स्ट बताया था हमने स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस क्या थी? द लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, यानी कि नॉन कोप्लेनर लाइंस थी, दैट इज लाइंस विच आर Neither parallel nor intersecting. That is non-coplanar lines. ऐसी lines के बीच में एक concept आता था जिसको हम कहते थे shortest distance. Shortest distance में होता क्या था कि ये दो plane हैं, ऐसे एक plane ये है और एक प्लेन ये है, आपने अपने प्लेन में लाइंस हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है ये जो कि a1 वेक्टर से पास कर रही है, मैं लाइन वन लिखता हूं r वेक्टर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर,
दूसरी लाइन लिखता हूं आर वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टू, मैं यू भी लिख सकता हूं, इट डजंट मैटर। देखिए ये ए टू से पास कर रही है, इन दोनों प्लेन को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है ऐसे जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, उसको कहते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये आता है डी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों लाइंस के बीच में, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन एंड बी टू, ये होता है। ठीक है, अब यहां हमने कंडीशन बताई थी अगर ये लाइन्स कोप्लेनर होंगी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन लाइन्स आर कोप्लेनर। इसे कंडीशन क्या बनेगी, दैट इज ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू विल बी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन क्या है, ये क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बन गया क्या? इट इज द एसटीपी ऑफ ए टू माइनस ए वन वैक्टर बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, यहां तक तो था। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया, डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस, दो पैरल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, करना है नोट। अच्छा लग रहा है अब तुम्हें फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं, रेडी के जारी बातें दिमाग में, बिल्कुल एक पूरे चैप्टर का रिव्यू दे दूंगा अच्छे से, कौन सा फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होना है। लेकिन ये वीडियो इतनी आसानी से शेयर नहीं करूंगा, बढ़ जाऊं आ गया मैं तो मिनट यार, एक ग्लास में पानी लिया ठंडा या एक कोक लिया ठंडी, इसमें तो कोक है दूसरा ग्लास है। नमन तूने तो पटाखे जलाया ना कल, अब तो ऐसी कूलिंग नहीं कर रहा, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है, ठीक है ना? तो इको रेगोनस पड़ रहा है उसको ऑन नहीं किया क्या? इंग्लिश का मुझे अपने टाइम बताओ सर, 3 दिन क्लास लेना चाह रहे हैं भाई। हाँ वो कह रहा है कि मैं पूरा ही करवा दूंगा आराम आराम से लग के, गरिमा तेरे टाइम रात हो जाएगा, जो टाइम तुम कहोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा होता 7:30 8:30 करा देता हूँ, टीटीएस गर्मी में चलेगा क्या 8:30? ठीक है। हेलो पागल हो रखा है क्या, 8:30 से करा देता हूँ मैं, कल आज रखवा दूँ क्लास, कल रखवा देता हूँ, अभी छुट्टियां सर आ जाएंगे ना, ले लो क्लास। ठीक, देखिए आगे आगे।
डिस्टेंस बिटवीन पैर लाइंस। देखो जरा, ये लाइन है वन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। दूसरी लाइन है ये, ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर आप देखें तो दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि दोनों की दोनों लाइन किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर वेक्टर बी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसी लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू, क्या बताया था भगवान, कल बताया था मैंने फॉर्मूला, कुछ तो बताया था, क्या था, ए टू माइनस ए वन क्रॉस क्या था b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये आता है। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चा क्या करता है, ऊपर वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता है और वो जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, जीरो। तो प्लीज अगर जैसे ही वहां ऊपर वाले फॉर्मूले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ रहा है तो मान के चलिएगा पैरेलल लाइन से ये वाला लगाना है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आएगा, ठीक है। नाउ ये तो था हमारा सारा लाइन से रिलेटेड मैटर। अब जरा बात करेंगे प्लेन, क्योंकि प्लेन बहुत ज्यादा आपने देख लिया होगा, बहुत ज्यादा वाइड है प्लेन। अब लेकिन आज मैं जो इसमें प्लेन का रोल समझाऊंगा, ये टेक्निकली बहुत अलग होगा आज, क्योंकि इससे पहले मैंने डेरिवेशन करवाए, आज मैं जितने क्वेश्चन पढ़ाए ना उन क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले लिखवा दूंगा, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन के हिसाब से आपको फॉर्मूले लिखवा देंगे तो आपको ज्यादा आसान रहेगा समझने में। हो गया, देखो प्लेन में क्या था, प्लेन में क्या होते भाई, पैसेंजर, ये तो दुआ तो अरे दुआ, तेरा टैलेंट भी बड़ा जबरदस्त है, आज तेरे नौ बरसी में तेरे को जर्सी तेरी नहीं उतारी ना देवी मैंने। देखो ये बताया था सबसे पहले, प्लीज इसका ना नाम दे देते हैं, सबसे पहला था डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द प्लेन, मतलब डिस्टेंस फॉर्म को कहते हैं ना, नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, कि प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से दे रखा है, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से, दैट इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन D and a unit normal vector n cap, बता रहे ऐसे ऐसे x axis y axis z axis ऐसे था, इस पे ये normal vector था यार, ये तो अच्छा नहीं बना, तीर कमान है, नॉर्मल तो बड़ा सीधा होता है, ये नॉर्मल वेक्टर है, सॉरी यूनिट नॉर्मल रादर देन नॉर्मल एन है, और इस प्लेन का डिस्टेंस डी दे रखा है। तो ऐसे केस में इस प्लेन की इक्वेशन थी आर डॉट n cap is equal to d, ये बताया था, इसी का कार्टेशियन फॉर्म बताया था हमने, इसी का कार्टेशियन फॉर्म कुछ ऐसे था, बात को समझ लीजिएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ये था कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में यहां पर हमने एन कैप को ये डिफाइन किया था, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, वेयर कैपिटल एल एम एन आर डायरेक्शन को साइन, क्या है ये डी सी, वेयर कैपिटल एल एम एन आर डी सी ऑफ नॉर्मल
ठीक है जी, किसके डीसी है? नॉर्मल के डीसी है। अगर डीसी है तो कंडीशन क्या है इसकी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, बताया था कुछ ऐसा, मैंने याद आ रहा सबको। ओके, नेक्स्ट फिर मैंने बताया था इसके बाद जर्नल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्या बताया था? जर्नल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। जर्नल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ये क्या थी? इसके दो तरीके से लिखा था, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, ये लिख लो, या इसका कार्टेशियन फॉर्म था ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। हमने इसके दो केस बनाए थे कि जनरल इक्वेशन है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, केस वाइज। केस वन ये लिखा हमने, आर डॉट एन इक्वल टू डी लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर एन का मैग्नीट्यूड वन हो जाता है तो तब एन वेक्टर तो एन कैप ही हो जाता है, और कैपिटल डी क्या बन जाएगा? स्मॉल डी। ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, केस टू, अगर एन का मैग्नीट्यूड वन नहीं है तो क्या इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता था या निकाला जा सकता है? तो तब हमने कुछ नहीं किया था, इसमें ये जो इक्वेशन थी आर डॉट एन इक्वल टू डी, इसमें दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया था? एन के मैग्नीट्यूड से। तो दोनों तरफ एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर ये आपके पास बना डी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अब मुझे बताइए ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन गई? एन कैप, और ये क्या बन गया? स्मॉल डी, डिस्टेंस फ्रॉम द। कितनी बात समझ में आ गई? यहां एक बात समझना है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर, ये है आपका प्लेन और ये है नॉर्मल। नॉर्मल का एक ही सरल भाषा में मतलब है कि इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए ऐसे जो भी व्हाटएवर, जिसको भी मैं कनेक्ट करूं, मान लीजिए इन दो को कनेक्ट कर दिया तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसको कनेक्ट करूंगा तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि इट विल बी नॉर्मल टू ईच एंड एवरी वेक्टर कंटेंड इन द प्लेन। गॉट इट और नॉट? ये इसका सीधा सा मतलब होता है। इसके बाद हमने जो आपको पढ़ाया था प्लेन की अलग अलग फॉर्म्स, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि अगर प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर इज गिवन, प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर इज गिवन, ये क्या था? मैंने बताया था कुछ ऐसा, ऐसे प्लेन था, हवा में उड़ रहा था और किसी पॉइंट ए से पास कर रहा था, इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे थे, इस पे नॉर्मल दे रखा था एन वेक्टर। ऐसे प्लेन की इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी भाई? आप कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट आपने ले लिया था पी, जिसको आप आर वेक्टर पोजीशन दे दी थी, फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया था ए पी वेक्टर के तौर पे। ऐसे प्लेन की इक्वेशन हमने निकाली थी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन, निकाला था ऐसे, क्योंकि यहां पे कारण क्या था कि जी एन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है किसके? एपी वेक्टर के। किसके परपेंडिकुलर हो जाता है? एपी, और दैट इज एन परपेंडिकुलर टू एपी का मतलब ये क्या वेक्टर आया था? आर माइनस ए वेक्टर, तो इसलिए ये आ गया था। ये कौन सी इक्वेशन आई थी? वेक्टर इक्वेशन। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कार्टेशियन भी निकाली थी। हमने कहा था कि अगर वेक्टर ए पास कर गया इस पॉइंट से,
और तो इस केस में और हमने n वेक्टर ये लेके चल दिए थे, वी कैन राइट इट इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 एंड dr ऑफ नॉर्मल a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. ये इसी का कार्टेशियन फॉर्म है, नोट करना है आप कर लीजिए आराम से, शुरू से करना नोट, क्या प्लेन प्लेन शुरू से करना है, ये ले जोड़ कर कितनी वीडियो डल गई होंगी 3D की, कम से कम 20-25 वीडियो होंगी, खुश है जुल्का ने कहा आपने मान लिया ना, क्या है अच्छा मैं बीमार हो गया तो अब बता है, जब भी तुम्हारा फायदा है बताऊंगा, फरवरी के महीने में आगे बात करना फिर बताऊंगा तेरे को, फरवरी मार्च में बीमार हो जाऊंगा फिर घूमना फिर तुम दिल के नोट कर लिया ऊपर करूं क्या, एक सेकंड हो गई चल वीडियो नहीं डलेगी ढक्कन और नीचे, तुम आगे लिखी ना लू फिर, देखिए अब आगे क्या है इसमें देखिएगा, इसके बाद हमने बताया था इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए वो क्या था, सिंपल था कि ऐसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे, ए वेक्टर दे रखा है जिसके पोजीशन वेक्टर दर, बी दे रखा है सी दे रखा है, तो इन तीनों पॉइंट्स को क्लीन कंटेन करने वाला प्लेन, इसका इक्वेशन हमने ऐसे लिखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर माइनस ए वेक्टर, फिर क्या लिखा था बोलो भाई, बी माइनस ए वेक्टर एंड सी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इसी का कार्टेशियन फॉर्म ये वाला था, कार्टेशियन फॉर्म क्या था इसका, इसी का कार्टेशियन फॉर्म ये बन गया था मोड x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो, ये कार्टेशियन फॉर्म था, यानी कि इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि प्लेन जो है तीन पॉइंट से पास कर रहा है और ये तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, एक तो ये हो गया ए, दूसरा एक्स टू वाई टू पास कर रहा और सी एक्स थ्री वाई थ्री, इन तीन पॉइंट से प्लेन पास कर रहा, तो ऐसे इक्वेशन आएगी, क्लियर है, आगे बढ़िए। इसमें फिर हमने बताया था कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दो प्लेन के बीच में एंगल का मतलब है उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स,
एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जब भी आप एंगल निकालेंगे दो प्लेन्स के बीच में, मान लीजिए एक प्लेन ये है आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, दूसरा प्लेन ये आर डॉट एन इज इक्वल टू डी टू, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नाउ। इसका फॉर्मूला क्या था, वही कॉस थीटा इक्वल टू एन वन डॉट एन टू और मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू। बेसिकली एन वन वेक्टर अगर ऐसे है तो दो वेक्टर के बीच की बात हो जाएगी अगर ये एंगल थीटा है। नाउ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर कब, एन वन डॉट एन टू क्या हो जाएगा जीरो। इसी का कार्टेशियन वर्जन आ जाता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जीरो। समझ में आ गई बात, ये प्लेन्स आर पैरेलल जब n1 वेक्टर क्या आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर, यानी कि जब दोनों नॉर्मल पैरेलल आ जाएंगे। इसका सीधा सीधी भाषा में मतलब है a1 by a2 सेम एज b1 by b2 सेम एज c1 by c2, ये आ जाएगा। ओके इसके बाद हमने बताया था कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन देखिएगा, यहां पर कुछ ऐसा था कि ये प्लेन है और ये प्लेन का नॉर्मल है, ऐसे एक लाइन है उसने प्लेन के साथ ये एंगल बनाया थीटा। अब नॉर्मल तो 90 डिग्री पे होता है और ये एंगल बन गया, ये एंगल कितना बन गया 90 माइनस थीटा। और लाइन किसकी डायरेक्शन में है, वेक्टर आप ऐसे लेंगे लाइन थी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और प्लेन आपका है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो ये आपका बेसिकली बी वेक्टर है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो हमने थीटा, लेकिन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड दिस लाइन कितना बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा उसका 90 माइनस थीटा। तो हम यहां पर हमने निकाला था ये साइन थीटा की फॉर्म में आता, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, डिराइव नहीं कर रहा हूं, बी डॉट एन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन। अब यहां टेक्निकल पॉइंट समझ लीजिएगा, मैं आप रोटेशन करके दिखा रहा हूं, आप अपने आप ही देख लीजिएगा। एक काम करिए, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है ये थीटा, तो वेक्टर बी क्या आ जाएगा आप ही बताइए। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वेक्टर बी एन के पैरेलल आ जाएगा, यानी अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के ऑटोमेटिकली पैरल नहीं हो रही है। अब मतलब एक तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर थीटा 90 डिग्री है इसी डायग्राम में मैं देखूं तो वेक्टर बी की ये इसके पैरल आ जाएगा, वेक्टर बी ऐसे आ जाएगा तो पैरल नहीं हो जाएगा, ये रोटेट होके ऐसे इधर आ जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन दैट इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन वेक्टर बी is parallel to n vector, is that okay? तो यहां से आप कह सकते हैं कि my b vector will be always equal to lambda times of n vector. Please ये बात आराम से समझ लीजिएगा, that is अगर b vector को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap and n vector को मैं डिफाइन करता हूं से
a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, दैट इज a1 by a2 b1 by b2 is same as c1 by c2 equal to lambda। क्लियर है? अब दूसरी चीज सोचिए, अगर ये थीटा 0 डिग्री आ जाए तो वेक्टर b कहां और लैप कर जाएगा? भाई आप यहीं पे देख लीजिएगा, अगर थीटा 0 डिग्री आ गया तो ये वेक्टर b है इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ, इसी यहां पे आ जाएगा इसी के ऊपर। तो बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। सो यू कैन से दैट इफ थीटा इज 0 डिग्री देन b डॉट n इज इक्वल टू 0, दैट इज लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। यहां कंडीशन बन जाएगी a1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। ये दोनों बिहेवियर समझ में आ गए आप लोगों को? इसके बाद हमने क्या बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, वो भी आराम से समझ लीजिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, कुछ नहीं था, अगर ऐसे कोई प्लेन है उसने एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे उसने इंटरसेप्ट बनाया ए 0 और वाई एक्सिस पे बनाया 0 और जेड एक्सिस पे बनाया 0 सी, यानी एक्स इंटरसेप्ट कितना है ए, वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, तो ऐसे में इक्वेशन आती है ऐसे प्लेन की, एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी प्लस बाई सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट था, अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास करता तो उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये बताया था मैंने, अगर ये कोई दो प्लेन है ऐसे, इस प्लेन की इक्वेशन है आर डॉट इज इक्वल टू डी वन और आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू, इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है ये तीसरा, इस प्लेन की इक्वेशन हम ऐसे लिख देते थे आर डॉट एन वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा ऑफ डी टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट एन टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एन वन डी टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ डी वन। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में मैंने बताया था, अगर पहला प्लेन आपका ये वाले प्लेन को आप ऐसे लिख रहे हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, तो पहले, और इसको ऐसे लिख रहे हैं वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को आप बिल्कुल जीरो बनाएंगे तब इक्वेशन लगाएंगे ऐसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड माइनस डी वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, आप ऐसे लगा सकते हैं। ये लेमडा आप सफल भी कर सकते हैं, पहले प्लेन के साथ ले आए या दूसरे के साथ, ठीक है? एक तो ये बताया था, क्लियर है? हाँ भाई, कुछ ज्यादा फेडेड नहीं आ रहा क्या वो ना? देखिएगा, फिर था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन फ्रॉम द प्लेन,
अगर ये कोई प्लेन है और इधर कोई पॉइंट है x1 y1 z1, और इस प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है, जब भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P, ये ऐसे निकलेगा। ये पहले ये वाला पॉइंट प्लेन में डाल दीजिएगा, ax1 + by1 + cz1। डी इधर लेके आना है राइट हैंड साइड पर, अंडर रूट ऑफ a² + b² + c² ये था। नेक्स्ट था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स और इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स, वो कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, देखिए दो प्लेन पैरेलल कैसे होते हैं, देखिएगा। सपोज ये प्लेन है ax + by + cz = d, और एक ये है ax + by + cz = d'। ये दोनों प्लेन पैरेलल नहीं, क्योंकि दोनों के नॉर्मल क्या है? पैरेलल, एक जैसे हो गए। कभी भी इन दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, जैसे ये एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये, तो इन दोनों के बीच में अगर आप जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये डी डिस्टेंस, इसका सीधा सा हिसाब होता है d = d(d-d') √a² + b² + c². तो ये आपको पूरी 3D का कोई फॉर्मूला बचा क्या? सारे बता दिए? हाँ, अब नमन गुप्ता टेस्ट देगा। क्या हो गया है? तो आई थिंक और ऊपर करूं, विजिबल है? बड़ी अच्छी आई साइट है तुम्हारी तो। कुछ फायदा हुआ है? अब क्या करूं भाई, तू प्रॉब्लम रहने दे, अपना घर जाके खाना खा। अच्छा फिर 2 घंटे में डोमिनोज से आता हूँ। क्या डोमिनोज खुलता सुबह सुबह? कितना बाहर का खाना खाता है खुद? गिरीश भाई रिकॉर्डिंग बंद करो, भेज दो मम्मी को। ओह यस, ये तो प्रूफ हो गया।